सो गाइस, बॉक्स अनबॉक्स करने के बाद हमें कुछ ऐसा दिखता है, जो बार्ट्स इस हम साइड में रख देंगे और मैंने इसे यूज़ भी कर लिया और इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है और कान में बहुत फ्री भी महसूस होता है और तीसरी वजह से साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अब मैं बोल रहा हूँ आप बाहर से भी सुन सकते हैं इसमें क्या चल रहा है, तो साउंड क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, साउंड क्वालिटी एकदम मस्त है। तो 1300 रुपये में स्टाइल, डिज़ाइन और सब कुछ मिल के मैं बोल सकता हूँ ये वेलवेट वाली प्रोडक्ट है। 1300 रुपये में मैंने फ्लिपकार्ट बिग बिलियन से खरीद लिया, सो आप लोग भी खरीद लीजिए। सो इसे हम कनेक्ट कर लेते हैं ओप्पो इनको वॉच, और ये हमारा पेयर हो गया, 100% चार्ज हुई है। वाह, सो गाइस, इस बार्स का जो की फीचर्स है वो मैं बता देता हूँ। तो गाइस, अगर आप अपने फ़ोन में गाना सुन रहे हैं और फ़ोन आपसे थोड़ी दूर है, तो इस बार्स की मदद से आप अपना सॉन्ग पॉज और प्ले भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, वॉल्यूम तेज़ भी कर सकते हैं, वॉल्यूम कम भी कर सकते हैं। मैं सबको बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। अगर आपको गाना पॉज करना होगा तो लेफ्ट और राइट दोनों में से किसी एक के ऊपर एक बार टैप करना पड़ेगा। मैं राइट में करके दिखाता हूँ, अभी मेरा गाना पॉज किया है और मैं टैप करूँगा तो प्ले हो जाएगा एक बार टैप करने से। तो गाइस, अगर आपको कॉल भी पिक करना है तो इसके लिए आपको मैं बता दूँ क्या करना चाहिए। तो अगर आपको कॉल पिक करना होगा तो आप लेफ्ट और राइट दोनों में से भी किसी एक के ऊपर दो बार टैप करोगे, मैं करके दिखा देता हूँ, एक दो करोगे तो आपको कॉल पिक हो जाएगा। अगर कॉल को एंड भी करना है तो सेम दोनों में से किसी एक के ऊपर दो बार टैप करना पड़ेगा। ये हो गया। आप आता एक बेहतरीन मोड के ऊपर, जो गेम मोड जो बहुत ही कम पार्ट्स में मिलता है, गेम मोड जो एकदम अच्छा फीचर से जो गेमिंग करते हैं गेमर के लिए बहुत ही अच्छा फीचर से है इस, क्योंकि इसमें आपका साउंड बहुत इंप्रूव हो जाता है, जिससे आप अपना टीममेट से अच्छा तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो। तो इस गेम मोड को ऑन करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ दो चीज़ करना पड़ेगा, लेफ्ट और राइट किसी का एक में भी आपको तीन बार टैप करना पड़ेगा। मैं करके दिखाता हूँ, एक दो तीन, तो आपका गेम मोड ऑन हो जाएगा। अगर गेम मोड ऑन हो जाएगा तो आपको ऑटोमेटिकली बोल देगा बार्ट्स की तरफ से कि आपकी गेम मोड ऑन हो गया। सो गाइस, ये था इसका की फीचर्स। सो गाइस, अगर आपको अपना मतलब म्यूजिक का ट्रैक चेंज करना होगा, अपना म्यूजिक चेंज करना होगा, तो आप लेफ्ट और राइट दोनों में से किसी एक के ऊपर दो बार अगर टैप करोगे तो आपका म्यूजिक चेंज हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ, एक दो करोगे तो मेरा ट्रैक चेंज हो जाएगा, मेरा ट्रैक चेंज हो गया। सो गाइस, ऐसे ही अगर आप अपना वॉल्यूम कम करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, अगर ये बात अच्छी से सुन ले, अगर वॉल्यूम कम करना है तो लेफ्ट में इसे होल्ड करके लगना है, लेफ्ट वाले पे आपको होल्ड करके रखना है हैंड को, अपना फिंगर को। और अगर वॉल्यूम आपको बढ़ाना होगा, मतलब वॉल्यूम प्लस करना हो, तो राइट वाले पे आपको होल्ड करके रखना है। ऐसे करके आप वॉल्यूम अप और डाउन कर सकते हो। सो गाइस, ऐसे आप अगर कॉल पिक करना होगा तो लेफ्ट और राइट किसी के एक में भी आप अपना दो बार टैप करिए। सो गाइस, इसका कुछ डाउनफॉल भी है, जैसे कि आप बहुत सारे बार्ट्स में देख सकते हो, लेकिन इसका जो डाउनफॉल है कि इसका टच सेंसर बहुत ही थोड़ा मतलब स्लो है, अगर मतलब किसी और की बार्ट्स के मुकाबले थोड़ा स्लो है। जैसे रियल व्यू के बार्ट्स मैंने यूज़ किया, वो बहुत फास्ट होता है, बोट के भी बार्ट्स मैंने यूज़ किया, वो भी बहुत फास्ट होता है, लेकिन ये ओप्पो वा लेकिन इस प्राइस रेंज ठीक है, लेकिन और भी इम्प्रूव किया जा सकता था। इसका टच सेंसर बहुत ही मिड रेंज वाला फील देता है, मतलब उतना प्रीमियम क्वालिटी का टच सेंसर नहीं है, मतलब उतना अच्छा नहीं है। सो यही इसका डाउनफॉल है। दूसरी बात है इसका जो इसका मैनुअल है, यही इनका डाउनफॉल, लेकिन बिल्ड क्वालिटी बाकी सब बहुत ही अच्छा है, लेकिन साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, ये मैं कहना चाहूँगा। सो गाइस, इस वीडियो को हम यहीं पर रैप करते हैं। सो गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना भाई।